हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बीएससी एग्रीकल्चर सेमेस्टर फर्स्ट एग्जामिनेशन 2023-24 फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी बुकलेट सीरीज ए, ये आज ही आप लोगों का पेपर हुआ है 23 नवंबर 2023 को। तो जिन स्टूडेंट ने ये पेपर दिया हो, राजा महेंद्र प्रताप विश्वविद्यालय के आप स्टूडेंट हैं, तो वो सब लोग आप आंसर शीट अपना चेक कर लेना, आपने जो भी क्वेश्चंस किया हो। हम ये जो पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं, इसका बुकलेट सीरीज क्या है, ए है, ठीक है। अब आप में से बहुत लोगों का, किसी का बुकलेट ए होगा, किसी का बी होगा, किसी का सी होगा, लेकिन क्वेश्चंस जो होंगे वो सभी के सेम होंगे। थोड़ा आगे पीछे होंगे, कुछ क्वेश्चंस आगे होंगे, कुछ क्वेश्चन पीछे होंगे। तो आप लोग क्या करिएगा, अपने क्वेश्चंस को पेपर से आप पेपर लीजिएगा और वीडियो चलने दीजिएगा, उसमें से आप अपने पेपर में क्वेश्चंस देख के आपको लगाना है, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि जो हमने इसमें बताया, इसमें अगर पांचवा क्वेश्चंस है वो आपके भी सीरीज में होगा, नहीं होगा। हम क्या करें, बुकलेट सीरीज कौन सी है, ए, ठीक है, ए वाली बुकलेट सीरीज को हम करवा रहे हैं, यही हमारे पास पेपर है। बाकी आप जो है इसको, चलिए तो सबसे पहले आप बताइएगा, आप लोगों का सबका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। और मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो जो आपका पुराना पेपर है उसको देख के जाएं। आज के इस पेपर में आपको बहुत क्वेश्चन, लगभग 15+ क्वेश्चंस फंसे, 15+ क्वेश्चंस आपके पुराने पेपर से आए हैं, ठीक है। तो आप लोग अगला पेपर जिसका जेनेटिक्स का है, तो आप उसमें से जेनेटिक्स का भी आप देखेंगे पेपर, और बायोलॉजी का भी देखेंगे, क्योंकि बायोलॉजी के पेपर में भी टोटल आपका जेनेटिक्स ही है। दोनों पेपर आप देख के जाइएगा। बायोलॉजी का जो पेपर है वो आपके लिए प्लस पॉइंट है, जेनेटिक्स वालों के लिए। तो आप सब वॉच करिएगा, इसका हम आपको अभी आंसर शीट बताते हैं, तो आप लोग अपने क्वेश्चन से मैच करवा लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, जो आज पहला क्वेश्चन आया है सबको पता होगा, देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, लगभग सब ने किया होगा। एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो किस भाषा से लिया गया है, ये ऑप्शन नंबर सी आपका। तो अगर आप आंसर शीट नहीं करवा रहे होते तो हम इसको छुड़वाते, आपसे ही पूछते, लेकिन आपको आंसर शीट बता रहे हैं ना, तो करवाना पड़ेगा, इसका सी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्रोस प्लस नोमोस का अर्थ क्या है, फील्ड प्लस मैनेजमेंट, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए अगला देखेंगे, एग्रोस का मतलब क्या है, फील्ड है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सस्य विज्ञान का क्षेत्र समाधान है, द स्कोप एग्रोनॉमी इज ए सॉल्यूशन ऑफ, तो इसमें से उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे, द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिवाइडेड फ्रॉम लैंग्वेज, मतलब एग्रीकल्चर शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ये किस भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, मुख्यतः मृदा जल की हानि होती है, किस में हानि होती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, उपरोक्त सभी। अगला देखेंगे, जीरो टीलेज का तात्पर्य है, जीरो टीलेज का तात्पर्य क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बिना जुताई के सीधे बुआई करना। नेक्स्ट देखेंगे, अधिकतम जल उपयोग क्षमता वाली विधि, तो कौन सी भी है भाई, अधिकतम जल उपयोग क्षमता वाली विधि, ड्रिप इरिगेशन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे, सापेक्षिक आर्द्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का है क्या, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, धान के खेत में मिमिक्री खरपतवार कौन सा है, मिमिक्री खरपतवार कौन सा होगा, इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। थोड़ा इसका पिक सही नहीं आया फोटो, तो इसका बी सही होगा, ठीक है, कौन सा सही होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला देखेंगे, IARI स्थित है, ये तो आपको IARI स्थित है, ICR कहाँ, आपको क्लास में हज़ारों बार बताया गया होगा, तो आप 100% सही करके आए होंगे, मोस्टली बच्चे सही करके आए होंगे, इसका आंसर क्या है, तो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली पूसा, IARI भी वहीं पे है, और ICR भी आपका, ICAR वो भी पूसा न्यू दिल्ली में, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका। चलिए, बहुवर्षीय खरपतवार, उपरोक्त सभी हैं, मोन्था घास, दूब घास, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, जुताई का उद्देश्य, जुताई का उद्देश्य, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, चिनोपोडियम एल्बम वनस्पतिक नाम है, किसका है,
बथुआ का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष को मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये, 22 मार्च को, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। अगला देखेंगे, लूसनर में परजीवी खरपतवार है, तो कौन सा, ऑप्शन नंबर ए कस्कुटा स्पीसीज। नेक्स्ट देखेंगे, स्प्रिंकलर प्रणाली से सिंचाई जल की बचत होती है 25 से 50, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट अगला देखेंगे, सिंचाई के लिए स्प्रिंकलर प्रणाली सबसे उपयुक्त है, लहरदार भूमि, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राइजोबियम कल्चर का उपयोग किया जाता है दलहनी फसलों में, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक हेक्टेयर सेंटीमीटर सिंचाई के बराबर होता है, किसके बराबर होता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। चलिए अगला देखेंगे, सिंचाई के माध्यम से उर्वरक का प्रयोग कहलाता है, तो क्या कहलाता है, फर्टिगेशन, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला देखेंगे आप, सफ़ेद रंग का टैग वर्ग के बीज में जारी किया जाता है, तो किस में किया जाता है, फाउंडेशन सीड में व्हाइट टैग होता है सफ़ेद रंग का, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बीज सूचांक का मतलब है, बीज सूचांक का मतलब क्या, सीड इंडेक्स क्या किया जाता है, 100 सीड का वजन यानी 100 बीजों का वजन, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखेंगे, हरित क्रांति का मतलब क्या है, खाद फसलें उगाई जाएं या सॉरी अधिक फसलें उगाओ, जैविक खाद का उपयोग, हरी खाद का उपयोग, तो क्या है ये, उच्च उपज देने वाली किस्म का कार्यक्रम। तो अभी ये देखो इसमें से आया एग्रोनॉमी, हरित क्रांति का मतलब क्या है, अगले आपका जैसे एग्रीकल्चर फर्स्ट है सेकेंड में पूछ लेगा फादर ऑफ हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक कौन है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन दो तरह के होंगे, एक इंडिया में होते हैं एक आपके वर्ल्ड के होते हैं, वर्ल्ड के कौन हैं और इंडिया के कौन हैं, यह आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया है ना क्लास में, तो आप देखेंगे भारत के कौन हैं। अगर पूछा जाए आपको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, प्रोफेसर M.S. स्वामीनाथन, ठीक है, ये इंडिया के हैं। चलिए अगला देखेंगे, और आपको वर्ल्ड के कौन हैं आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है कि वर्ल्ड में हरित क्रांति के जनक कौन हैं, नॉर्मन क्या आपको बताना है, ठीक है, इसका हम नहीं बता रहे हैं कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया का नाम नहीं ले रहे हैं, ये क्वेश्चन है आपका, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इसका आंसर आप सब लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, जब आप लोग नहीं बता पाएंगे देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं इसका, ठीक है, आप लोग आंसर दिया करिए भाई जो आपसे पूछा जाता है ना, आप लोग कहना तो मानते नहीं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा प्राथमिक पोषक तत्व है, तो क्या है, नाइट्रोजन, ठीक है, प्राथमिक पोषक तत्व कौन, ये तो होता है NPK। चलिए अगला देखेंगे, रबी की फसलें बोई जाती हैं अक्टूबर से दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, भारत में हरित क्रांति के जनक, चलो ये पूछ ही लिया, M.S. स्वामीनाथन, ठीक है, M.S. स्वामीनाथन कौन है, भारत में हरित क्रांति के जनक, ये डॉक्टर, ये भी आपको बता दिया गया। बी पी पाल कौन है, N.E. बोरलॉग कौन है, वर्गीज कुरियन कौन है, अभी हमने जो आपसे आंसर पूछा है ना कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, इन्हीं में से उसका आंसर है कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति के जनक कौन है, तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता चल जाएगा इनमें से कौन है, तो आप आंसर कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे हरित क्रांति के जनक कौन है, ठीक है, और आप दुग्ध क्रांति के भी जनक बताएंगे दुग्ध क्रांति के जनक कौन है, ठीक है, और ICR के प्रथम निर्देशक कौन है, ये तीनों आपको बताना है, तीनों ये जो आपको आंसर दिख रहे हैं इन्हीं में छुपे हुए हैं एक दूसरे के आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, सस्य वैज्ञानिक का मुख्य उद्देश्य है अधिकतम उत्पादन, मैक्सिमम प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किस फसल का अंकुरण प्रतिशत अधिक होता है, तो किसका होता है सबसे ज़्यादा, मक्के का होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, FIRB निम्नलिखित में से किस फसल के लिए अपनाया जाता है, ये ऑप्शन नंबर ए गेहूँ के लिए, बुआई भू परिष्करण का हिस्सा है द्वितीयक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देखेंगे, बहुउद्देशीय हल है, तो बहुउद्देशीय हल कौन सा है भाई, बहुउद्देशीय आपका हल पूछ रहा है, बहुउद्देशीय हल कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है,
MBP, ये आपका सही हुआ, ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला देखेंगे आप, अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस फसल का अंकुरण प्रतिशत सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? मक्के का होता है। ये क्वेश्चन दो बार आ गया क्या? नहीं, चलिए हाँ, ये देखिए दो बार आ गया, प्रतिशत सबसे अधिक होता है। चलिए अगला देखेंगे आप, चलिए चलिए, इसमें पूछ रहा है 33 के पोषक तत्वों का के अवशोषण, स्थानांतरण और परिचारक करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, अगर आप ना बता पाएँ तो आप बोल देना सर इसका आंसर क्या है, इसका हम बताएंगे, ठीक है? 33 आप ऐसे कमेंट में, क्योंकि आप लोग तो भी कुछ करो, सिर्फ आपको एक का आंसर बताना है जो आपके पेपर में, ऐसे लिख के दे देंगे कि 33 का आंसर हमें नहीं पता, आप बताइए तो हम कमेंट्स बॉक्स में बता देंगे, अगर आप लोगों का ज़्यादा कमेंट आता है, ठीक है? तो इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए देखते हैं अगला, पौधों की उचित वृद्धि के लिए कितने पोषक तत्व चाहिए? 17 चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट है, वर्मी कंपोस्ट एक है तो भारी जैविक खाद है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यूरिया है, यूरिया कैसा है? कार्बनिक उर्वरक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखेंगे आप, केवल एक प्राथमिक पोषक तत्व युक्त उर्वरक सामग्री कहलाती है अपूर्ण उर्वरक, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला देखेंगे आप, निम्नलिखित में से किस उर्वरक को किसान खाद के नाम से जाना जाता है? CAN, बताइए कितनी बार पूछा जाता है ये, आपका इस बार भी पूछा गया है, आपसे जो आपके जूनियर स्टूडेंट हैं उनमें भी पूछा जाएगा, पिछली बार भी एग्ज़ाम में पूछा गया था, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट करता है, इसलिए हम बोलते हैं कि आप एग्ज़ाम देने से पहले पुराने पेपर को अच्छे से आप करें, इसलिए सारे पेपर सॉल्व करवा दिए गए हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो सॉल्व करने में। ऑलरेडी हमारे चैनल में आपको सारे जो भी पुराने पेपर हैं आपके, तो सारे इसी चैनल पर मिलेंगे, एग्री नॉलेज 9198 पर। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो लाइक करिए और शेयर करिए। चलिए देखते हैं इसमें से 39 का क्या है, कौन सा मानसून वर्षा का सर्वाधिक प्रतिशत योगदान है? तो कौन सा है? साउथ वेस्ट मानसून, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे आप, पौधों की सतह से पानी हानि कहलाती है? बी ऑप्शन नंबर, वास्तुसर्जन। निम्नलिखित में से किस फसल की जल उपयोग दक्षता सबसे कम है? शुगर केन, ऑप्शन नंबर बी। सिंचाई कार्यक्रम से संबंधित है ये सभी, ऑप्शन नंबर डी। आलू की फसल में पानी देने के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई कौन सी है? कुंड विधि, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। सतही एवं भूमिगत जल का विवेकपूर्ण संयुक्त उपयोग कहलाता है, तो इसका जो राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका, कंजेक्टिव उपयोग। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक नमक सहनशील फसल है? तो कौन सी है? जौ, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखेंगे, गेहूं में सिंचाई के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, ये भी आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से आता ही आता है, क्राउन रूट निकलते समय CRI स्टेज, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, खरपतवार शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? जेंथ्रोटुल के द्वारा, ठीक है, जेंथ्रोटुल है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। खरपतवारों के कारण उपज हानि का प्रतिशत कितना है? 37, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 24D किस प्रकार के खरपतवार के नियंत्रण के लिए उपयुक्त है? ये क्या होगा? ब्रॉड लीफ वीड, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। किस प्रकार के खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए फसल चक्र का अभ्यास किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसका, ए और बी दोनों सही है। धान गेहूं मूंग की फसल चक्र की सघनता, ऑप्शन नंबर सी 300%। निम्नलिखित में से कौन सी विधि में प्रति हेक्टेयर सबसे कम बीज लगता है? ड्रिलिंग विधि में, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित जुताई प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है आपको बताना है, किसमें से क्या पूछ रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र संरक्षित जुताई में प्रयोग किया जाता है? सभी आप जानते हैं, रोटावेटर, डिस्क हैरो, फर्टी सीड ड्रिल, हैप्पी सीड।
तो इसका 53 का क्या आंसर होगा ये आपको बताना है, ठीक है। आप टेंशन मत ले कि हम बताएंगे नहीं, अगर आपको नहीं आए तो आप कमेंट्स करिएगा तभी आपको इसका आंसर मिल जाएगा। दो हमने छुड़वाया था, एक क्वेश्चन और है और एक ये, जैसे ही हम देखेंगे कि अगर आप लोगों को नहीं आता होगा तो आप खुद कमेंट्स करके पूछेंगे कि हमें नहीं आ रहा, अगर आपको आ रहा हो तो ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको आंसर नहीं पता आप कमेंट्स करिए, आपको 100% इसका आंसर हम कमेंट्स बॉक्स में रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। चलिए, वैसे आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा मोस्टली बच्चों को कि इसका आंसर क्या होता है, और फिर भी अगर नहीं पता तो आप कमेंट्स करेंगे हम आपको आंसर बताएंगे, ठीक है। अगर आपको पता नहीं है तो आप कमेंट्स ज़रूर करिएगा, ऐसा नहीं कि आपको पता भी नहीं हो और आप पूछे भी नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। चलिए अगला देखते हैं, फसल के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है, किसमें होती है? आलू में, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और आइजर सटाइवा का वनस्पतिक नाम है, ये लगभग सभी को पता रहा होगा, सबने इसे सही किया होगा। बी धान का होता है। गेहूं की फसल में पंक्ति से पंक्ति की दूरी कितनी होती है? 22.5, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र संरक्षित जुताई में प्रयोग किया जाता है? देखिए ये आपका फिर से वही क्वेश्चन है, ठीक है, आपका फिर वही क्वेश्चन पूछ। चलिए आपने इसका आंसर देखा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से देखते हैं आपका 57, ठीक है, ये दोबारा से हो गया आपको 57 देखते हैं आप। चलिए देखते हैं, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक प्राथमिक पोषक तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। देख रहे मिनरल न्यूट्रिशन से ही कई क्वेश्चन आ गए, NPK कौन से होते हैं? 3 NPK। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आवश्यक पोषक तत्व है? तो कौन सा भाई? कैल्शियम, CA, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नाइट्रोजन को अमोनिकल रूप में लेने वाली फसल है कौन सी है? धान है। कौन सी? राइस। सारे क्वेश्चंस आपको क्लास में लिखवाए गए हैं, मोस्टली क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में आए हैं सारे क्वेश्चंस आपको लिखाए गए हैं क्लास में। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, हमारी बात मानी होगी, तो आप लोगों का बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा, आपने पुराना पेपर सॉल्व किया होगा तो आप सबका पेपर बहुत ही अच्छा हुआ होगा। अभी भी आपने अगर पुराना पेपर नहीं देखा है तो आप देखने का मतलब ये नहीं कि आपने वीडियो देख लिया और आपका काम हो गया, ऐसा नहीं। आप वीडियो देखिए, वो क्वेश्चंस आपको आना चाहिए, आप उनको लिखिए या 2-3 बार वीडियो देखिए कि आपको क्वेश्चंस आए, ऐसा नहीं कि आपने जल्दी से स्पीड बढ़ा के देख लिया और बस हमने देख तो लिया था सर नहीं कुछ आया, ऐसा नहीं आएगा जब तक आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़ें। और फिर कल आपका नेक्स्ट जो पेपर है वो जेनेटिक्स का है, वो थोड़ा पेपर टफ आता है, उसको आपको बहुत अच्छे से और देखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, निम्नलिखित में से कौन से उर्वरक में एक से अधिक प्राथमिक पोषक तत्व होते थे? किसमें होते भाई? DAP में होता, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला देखेंगे, FYM में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 0.50%। निम्नलिखित में से कौन सा एक सांद्रित कार्बनिक खाद है? तो ऑप्शन नंबर सी मूंगफली की खली। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का ज़्यादातर हिस्सा होता है कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए समुद्र में। FYM में नाइट्रोजन की, चलिए दोबारा से वही आ गया है ना, ये देखेंगे, गेहूं का एक महत्वपूर्ण खरपतवार है कौन सा भाई? फ्लेरिस माइनर, गेहूं का मामा, ठीक है, तो ये मामा आ गया, ठीक है, पढ़ना है आपको। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर चयनात्मक खरपतवार है, नॉन सेलेक्टिव हर्बिसाइड है, तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही होगा आपका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, फसलों की वृद्धि एवं विकास से प्रभावित होता है, किससे प्रभावित हो? टेम्परेचर, वाटर, सनलाइट, तो किससे होता है? ऑप्शन नंबर डी, इन सभी से। अगला देखेंगे आप 67, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्षीय खरपतवार है? फ्लेरिस माइनर, ऑप्शन नंबर ए। 68 का देखेंगे, मोन्था के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो क्या किया जाता है? सेज, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 68 का क्या होगा भाई? 68 का आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सेज। चलिए अगला देखेंगे, टपक सिंचाई सामान्यतः फसल में प्रयोग की जाती है, किसमें की जाती है? टपक, सब्जियों में ज़्यादातर। निम्नलिखित में से किस फसल में सबसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है? किसमें होती है? शुगर केन में, गन्ना, सिकेरम ऑफिसिनेरम,
71 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव उर्वरक का उदाहरण है, तो कौन सा है, राइजोबियम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला देखेंगे आप 72, यूरिया में होता है 46% नाइट्रोजन। लोहा एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 73 का, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन कितने किलोग्राम की दर से प्रयोग की जाती है, तो कितना, 25 से 30 किलोग्राम, ठीक है 25 से 30 किलोग्राम, कितना होगा भाई। इसमें पूछ रहा है कि दलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन होता है कितना यूज किया जाता है, ठीक है ना, यही क्वेश्चन था ना। चलो दोबारा देख लेते हैं अभी क्या पूछ रहा था ये। हाँ, ये पूछ रहा है आपका दलहनी फसलों में नाइट्रोजन किलोग्राम हेक्टेयर की दर से प्रयोग की जाती है, तो 25 से 30, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर आप 75 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक जैविक खेती में प्रयोग किया जाता है, तो जैव उर्वरक किया जाता है भाई, बायो फर्टिलाइजर किया जाएगा, ठीक है, यूरिया DAP तो किया नहीं जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो आप लोग क्या करिएगा, ये अपना पेपर लीजिए, आप अपने पेपर में क्वेश्चन से मैच कराइए, और एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि मैंने ये जो आपको आंसर बुकलेट सीरीज कराई है वो बुकलेट कौन सी है, ए सीरीज है। तो आप बी वाले हैं तो ये क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, हो नहीं सकते 100% आगे पीछे होंगे, तो आप लोग अपने सीरीज के अकॉर्डिंग चेक करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने, आपकी बी सीरीज है और आपने देखा कि सर ने 69 का ये कराया, मेरे में ये है, तो आपका वो गलत होगा, ठीक है। क्वेश्चंस वही होंगे बट आगे पीछे होंगे थोड़ा, आपको क्वेश्चंस देखना, इसमें से नंबर नहीं देखना, ओनली ए सीरीज वाले अपना नंबर के अकॉर्डिंग देखेंगे, बाकी आप अपना वीडियो देखते जाएंगे और अपना पेपर रख के कराएंगे, ठीक है, क्योंकि हम ए सीरीज करा रहे हैं और बी वाले में क्वेश्चंस यही होंगे लेकिन थोड़ा आगे पीछे रहते हैं। तो ये आप लोग अपना देख लीजिएगा किसने कितना किया और किसके कितने अच्छे नंबर आएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों का वो रहता है ना डाउट। और हमने जो आपको बताया था ना कि आंसर बुकलेट और OMR शीट एक होना चाहिए, तो देखिए ये आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, देख पा रहे होंगे ना आप यहाँ, ये चलिए नहीं दिख रहा, ये क्या कौन सा होता है, ये आपका बुकलेट नंबर होता है जो आपने यहाँ पर भरा है ना, ये आपका आंसर बुकलेट नंबर होता है, ये आपने उसमें से देख के भरा होगा, है ना। तो ये दोनों सेम होना चाहिए, ये आप देख लिया करिए जब, वैसे मोस्टली ऐसी गलती होती रही है, बाय द वे कभी हो जाता है, तो ये आपका, ये आपकी जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इसको चेक करें। और चलिए आप इन क्वेश्चंस को पेपर अपना मैच करवाइए, फिर इसके बाद आप आज से स्टार्ट कर दीजिएगा जेनेटिक्स की तैयारी करना। हमने पेपर आपको पहले ही ऑलरेडी जेनेटिक्स का, बायोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिया है आपको, आप चैनल पे जाइएगा और सॉल्व करिएगा, एग्री नॉलेज 9198 पर आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे। चलिए आप अपनी अच्छे से पढ़ाई करिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।